क्या बोलने की आवश्यकता थी राहुल गांधी को कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। राम राम कहते हुए हम भी बड़े हैं। आप राम राम बोल के बड़े हुए, राहुल गांधी क्या राम राम बोल के बड़े नहीं हुए? आपको अपने मुस्लिम होने पे गर्व है तो मुझे क्यों नहीं गर्व होगा हिंदू होने पे? इन लोगों ने सारे वोट पोलराइज करे हुए हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है, जहर बोया है। राहुल के साथ की बात मत पूछो, पहले ये पूछो कि मोदी के खिलाफ जरूर है। मोदी के खिलाफ राहुल के साथ नहीं है। अरे ये बताइए, आप बन सकते हो उस पार्टी के अध्यक्ष? नहीं बन सकते हो। ज्यादा मुख्यमंत्री कैसे? अरे ठीक है, एक सेकंड जवाब लेते हैं ना। अरे आपको बताओ, नफरत दिख रही है। अरे एक सेकंड, एक दिख रही है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी लगना और एक होता है कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना। मोदी को हराने के चक्कर में विपक्ष की हालत चुनाव के पास आते आते अक्सर ऐसी ही दिखती है। दरअसल लालू प्रसाद यादव बड़े कद्दावर नेता हैं। जनाब ने एक बयान दिया और एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी से उनके परिवार के बारे में पूछ लिया और बीजेपी ने इस मुद्दे को दोनों हाथों से उठा लिया। बीजेपी ने बकायदा एक पूरी कैंपेन चला दी। बीजेपी के मंत्री से लेके नेता से लेके कार्यकर्ता तक, यहां तक कि आम जनमानस ने खुद को मोदी का परिवार कहना शुरू कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, बंगाल से लेकर बिहार तक खुद पर हुए इस हमले के बारे में जोर शोर से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने घर मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए छोड़ा था। यानी मोदी पर हुए इस डायरेक्ट अटैक से मजबूत पब्लिक कनेक्ट बनाने का प्रयास हो रहा है। तो दूसरी ओर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं की राम और सनातन पर बदजुबानी भी जारी है। राहुल गांधी कहते हैं कि भूखे मर जाओ और राम राम गाओ, उसको लेकर बीजेपी वार कर रही है। लेकिन ये तमाम चीजें एक बोनस अपॉर्चुनिटी जैसी साबित हो रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नए अलायंसेस को बनाने में लगी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एक बार फिर उन्होंने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि सीए देश में लागू होने जा रहा है, यानी आने वाले दिनों में फुल पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, सवाल है क्या नरेंद्र मोदी के परिवार पर हमले का नतीजा 2019 में याद है ना आपको, चौकीदार चोर जैसा साबित होने वाला है। बड़ा प्रश्न यह भी है कि राम के नाम पर हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ क्या वोट का जुगाड़ करा पाएगा? क्या यह एक बड़ी रणनीति और स्ट्रैटेजी है? आर पार में आज इन तमाम मुद्दों पर मेरे युवा मित्रों के साथ होगी जोरदार चर्चा। 2024 का वार, राम और परिवार। अभिनंदन आपका आज के इस सबसे बड़े कार्यक्रम में, पॉलिटिकल कार्यक्रम में। भाई और बहनों, क्योंकि चौकीदार 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 भारत माता की। वो साल 2019 था जब राहुल गांधी ने इस नारे से बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बदले में देश की जनता ने पूरे विपक्ष को तहस नहस कर दिया। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, कोई गलत काम बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं है। उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई।
2019 की ही तरह इस बार भी बीजेपी ने विपक्ष के हमले को अपने कैंपेन का हिस्सा बना लिया है, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर उठे तो जवाब में बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुद को मोदी का परिवार कहना शुरू कर दिया। देश के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। मोदी मुद्दा नहीं है, एक भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद उनको नहीं दिखता था। कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी बोला करते थे, अब जब परिवारवाद मोदी जी का बढ़ गया है उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना, लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं। दूसरी ओर राम विरोधी बयानों की वजह से भी इंडी गठबंधन बीजेपी के निशाने पर है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक रामेंदु सिन्हा ने राम मंदिर को अपवित्र कहा तो वहां जोरदार सियासत शुरू हो गई। जवाब में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की प्रतिमा को सिर पर रखकर रामेंदु सिन्हा के इलाके में शोभा यात्रा निकाली। दक्षिण में ती स्टालिन के बाद उनकी पार्टी के बड़े नेता ए राजा ने राम और रामायण के लिए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றான், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றான், இதுதான் பாரத மாதா ஜி என்றான், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது, நீ வேணா சொல்லி பார். ராமனுக்கு எதிரி, பாரத் விரோதி, ராம் விரோதி, சனாதன விரோதி, சப் தரா கே பயான் சல் ரஹே, देश को बांटने के, उत्तर को, उत्तर और दक्षिण को बांटने के। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, आखिर ये शह किसकी मिली? सवाल ये है कि क्या मोदी पर निजी हमला एक बार फिर विपक्ष का सेल्फ गोल साबित होगा, और राम का अपमान क्या बर्दाश्त कर लेगा हिंदुस्तान? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 का वार, राम और परिवार।